हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 53 से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में 52 तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अभी तक दो मेथड सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़े हैं। पहला मेथड था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड या नेटवर्थ मेथड, और दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड आपको तभी कॉम्प्लीकेट लगेगा जब आपको क्या ना आता हो, जर्नल एंट्री और लेजर। अगर मान लीजिए मेरा क्लास 11th ही खराब है, तो ये जर्नल एंट्री कहां सिखाया जाता है? क्लास 11th में। लेजर कहां सिखाया जाता है? क्लास 11th में। तो अगर मेरा जर्नल एंट्री और लेजर का पार्ट खराब हो, हमको यही नहीं पता है कि किसी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री क्या सोच के करते हैं या किसी जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, तब ये चैप्टर में कन्वर्जन मेथड आपको तकलीफ देता है। अदरवाइज हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे फॉलो कीजिएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आंसर नहीं आए, वो हमेशा मैच कर जाएगा। फिर भी हम आपको लेजर के तौर पे डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, कैश, कैशबुक ये सब सिखा चुके हैं। उसी पर रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 53, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, साईजी कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 1st April 2015 इज एज फॉलो। बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1st April 2015 का दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे दिया। देखिए ओपनिंग कैपिटल निकला हुआ है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा। हम बोले हाँ, क्योंकि ये बना हुआ है, फिर झमेला ही खत्म है। उसके अंदर क्या क्या लिखा है? क्रेडिटर, कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक और मशीन। हम बोले ठीक है, ये आइटम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में है वो कितना बार जाएगा? सिर्फ एक बार, कि सर अकाउंट बना हुआ है वो। हम बोले बिल्कुल। फिर नीचे लिखा है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ये कितना बार जाएगा? दो दो बार। रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर हम पूछे बताओ एंट्री क्या करोगे, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो सर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दो बार इफेक्ट पड़ेगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्या एंट्री हो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर के डेबिट में बैंक, सॉरी क्रेडिटर के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में। पेमेंट ऑफ कैरेज इनवर्ड, क्या एंट्री करोगे? सर कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सर बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में, और कैरेज इनवर्ड खर्चा है, कहां चला जाएगा? पीएल के ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, डायरेक्ट खर्चा है। पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में, और ऑफिस एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है इनडायरेक्ट नेचर का, कहां चला जाएगा? पीएल के डेबिट में। फिर लिखा है ड्रॉइंग, कहां जाएगा? सर बैंक ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में, और ड्रॉइंग कहां जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होने के लिए। ऑन 31st March 2016 सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग का ही बता रहा है, इसका भी ट्रीटमेंट दो बार। सर क्लोजिंग डेटर 36,000, एक बार डेटर अकाउंट में बैलेंस सीडी बोल के, दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट के टू बैलेंस सीडी बोल के लिख देंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड डाल देंगे। नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। बट इट इज असर्टन दैट साईजी टेक्स प्रॉफिट 20% ऑन सेल, प्रॉफिट कितना है? सेल का 20%। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन भी देखे थे, वहां पे ओपनिंग स्टॉक नहीं बनाया था, तो हम लोग सीखे थे कि अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं बताया और प्रॉफिट बता दिया है, तो सेल पे प्रॉफिट निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। यहां सेम बात है कि सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताया है तो प्रॉफिट बता दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। बोल रहा है बनाइए ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट। तो हम लोग का सोल्यूशन में चार पार्ट है, ये है सोल्यूशन और दो वर्किंग किसका होगा? डेटर और क्रेडिटर, जो पर्सनल अकाउंट का। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को पढ़े, उसका आइटम बस एक ही बार जाएगा क्योंकि सर वो अकाउंट बना के दे दिया है, और हम लोग सीखे हैं कि जब अकाउंट दिया रहता है वो आइटम एक बार, बाकी सारा आइटम दो बार। पहला लिखा है क्रेडिटर, सर ये ओपनिंग है क्योंकि डेट पढ़िए 1st April 2015, तो ये ओपनिंग क्रेडिटर है, कहां जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस बीडी 18,000। कैपिटल कहां जाएगा? सर बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैपिटल
82,000 कैश एट बैंक, सर ये बैंक अकाउंट का टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 7,600 डेटर, डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बीजी एसेट्स है तो डेबिट साइड, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है ये, अमाउंट 20,000 उसके बाद मशीन सर बैलेंस शीट में ये तो एसेट्स है कितना 30,000 अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, लिखा है रिसीट फ्रॉम डेटर, सपोज कीजिए हमको नहीं पता कहां जाएगा तो एंट्री तो पता है डेटर से पैसा मिला कितना मिला 96,400 क्या एंट्री करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक का अकाउंट बनाए हैं तो बैंक डेबिट हुआ तो डेबिट साइड लिखो किसके नाम से डेटर के नाम से अमाउंट 96,400 बैंक अकाउंट डेबिट बैंक का डेबिट डेटर क्रेडिट हुआ तो डेटर क्रेडिट में लिखो बाय बैंक 96,400 अगला पेमेंट टू क्रेडिटर हमको नहीं पता कहां जाएगा एंट्री कर लो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक तो सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिटर के डेबिट में टू बैंक अमाउंट 62,500 बैंक क्या हुआ है क्रेडिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट तो क्रेडिटर के डेबिट में बैंक क्रेडिट तो बैंक क्रेडिट में बाय क्रेडिटर 62,500 आगे बढ़ो लिखा है पेमेंट ऑफ कैरेज इनवर्ड एंट्री कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक तो सर बैंक क्रेडिट हुआ कैरेज इनवर्ड के नाम से लिख दिए तो ये सारा एंट्री है कि सर आपको एंट्री आना चाहिए कैरेज इनवर्ड डेबिट टू बैंक तो बैंक का काम तो कर लिए कैरेज इनवर्ड डेबिट हुआ सर तो डेबिट में लिखेंगे कहां किसका डेबिट में कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा है तो सर ट्रेडिंग में जाएगा बहुत सिंपल आगे बढ़ो पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस बोल रहा है ऑफिस का एक्सपेंस किए एंट्री ऑफिस एक्सपेंस टू बैंक तो सर बैंक फिर क्रेडिट हुआ बाय कितना 10,800 ऑफिस एक्सपेंस डेबिट सर ये खर्चा है तो पीएल में क्यों इनडायरेक्ट है नेक्स्ट उसके बाद लिखा है ड्रॉइंग एंट्री ड्रॉइंग टू बैंक तो सर बैंक के क्रेडिट साइड में और ड्रॉइंग कहां चला जाएगा बैलेंस शीट में तो बाय ड्रॉइंग 12,200 उसके बाद यहां कैपिटल में माइनस कर दीजिए ये भी हो गया आगे बढ़ो लिखा है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 36,000 सर क्लोजिंग बैलेंस है तो डेटर अकाउंट में लिखिए बाय बैलेंस सीडी दो बार होना है ट्रीटमेंट बाय बैलेंस सीडी कितने का 36 दूसरा बार कहां जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर 36,000 फिर लिखा है क्लोजिंग क्रेडिटर 25,000 तो सर क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस सीडी अमाउंट कितना है 25,000 दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर और बताओ उसके बाद और कुछ नहीं बोला है ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर है 20% ठीक है सबसे पहले डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बंद करेंगे और क्या निकाल लेंगे क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल जोड़े
96,400 plus 36,000. एक 32,400 42,400 माइनस कर दिए, 90,000 का क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल निकल गया, बाय सेल. उसके बाद आओ जोड़े 87,500, क्या निकल जाएगा परचेज बैलेंसिंग फिगर से? 87,500 माइनस 18,000, 69,500, ये क्रेडिट में. तो यहां क्या लिख देंगे, टू परचेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं परचेज तो ट्रेडिंग का आइटम है. उसके बाद और क्या निकालेंगे, चलो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालें, जोड़ो 7600 प्लस 96,400, 104,000, 62,500 माइनस 2000 माइनस 10,800 माइनस 12,200, क्लोजिंग बैलेंस 16,500 बाय बैलेंस सीडी. अब ये पैसा कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में डालिए, क्लोजिंग का बैंक है वो. सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बताया है क्वेश्चन. पढ़िए क्या लिखा है, लिखा है जो प्रॉफिट है वो 20% है सेल्स का. सेल्स तो मालूम है हम लोग को 90,000, उसका कितना परसेंट निकालना है, 20. तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक. और ये क्लोजिंग स्टॉक फिर कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में. चलिए जोड़ा जाए 20,000 प्लस 69,500 प्लस 2,000 प्लस 18,000, 109,500. क्लोजिंग स्टॉक निकल गया 19,500, फिर ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में. तो सर यहां लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में. अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दें पीएल में, कितना, 18,000. टू नेट प्रॉफिट. अब ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में, प्लस 7200. कितना आया, 77. जोड़िए 1,02,000. बैलेंस शीट का टोटल 1,02,000, जोड़ा जाए 30,000 प्लस 36,000 प्लस 16,500, 1,02,000. तो जैसा कि देख रहे हैं कि सर कितना सिंप्लिसिटी से बन सकता है अगर चीजों को फॉलो किया जाए जो बताए हैं, कि कौन सा आइटम दो बार ट्रीट होगा, कौन सा आइटम एक ही बार ट्रीट होगा. जो अकाउंट बना हुआ रहेगा उसका आइटम एक बार, बाकी सारा आइटम दो बार. जर्नल एंट्री आना ही चाहिए, और अगर जर्नल एंट्री नहीं आता है तो फिर हम लोग जो लेजर का फॉर्मेट बनाए हैं फिर आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ सर हमको लेजर का फॉर्मेट फिर ध्यान में रखना पड़ जाएगा अगर हमको जर्नल एंट्री नहीं आता है.
लिखिए क्वेश्चन नंबर 53। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़े। मिस्टर राज कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। तो सर ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। उसके अलावा जो कुछ बनाएंगे सारा वर्किंग लिखा है। क्रेडिटर ओपनिंग का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताया, वो हम लोग निकालेंगे। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग, ऑफिस एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग। प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में है। फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है सर? कैश का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रॉइंग, ऑफिस एक्सपेंस, कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, अदर इंफॉर्मेशन। देयर वाज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, बोल रहा है क्वेश्चन में कि कैश सेल भी हुआ है, लेकिन कितना वो नहीं बताया, वो हम लोग निकालेंगे। क्रेडिट परचेज 23,000, क्रेडिट परचेज बता दिया है 23,000। फिर एडजस्टमेंट है फर्नीचर ₹600 का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर के ऊपर, और बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का 10%। क्या इसमें एक भी अकाउंट बना के दिया है? नहीं। तो सर इसमें हर ट्रांजेक्शन का दो बार ट्रीटमेंट होगा। हम बोले बिल्कुल। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं दिया क्योंकि सर कैपिटल तो पता नहीं है। तो हम बोले सर वर्किंग के नाम पे ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, और हम लोगों को डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर कैश अकाउंट क्यों बनाएंगे? इस बार तो ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, क्योंकि नीचे में पढ़ो एक लाइन लिखा है देयर वाज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, बोल रहा है कि क्वेश्चन में कैश सेल भी है। तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पे बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा? कैश सेल। बात समझते हैं? चलिए शुरू किया जाए। हम सारा चीज का फॉर्मेट बना लिए हैं ताकि पढ़े और दो दो बार ट्रीटमेंट शुरू कर दें। सबसे पहला आइटम दिखा क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। बीडी सीडी दिया हुआ है, देख के लिखिए। सर बीडी है 4,000, सीडी नहीं दिया हुआ है, सीडी आपको निकालना होगा। बोले अच्छा, सीडी दिया हुआ नहीं है, ये तो हम लोग निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। दो बार होना है तो सर दूसरा बार लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर 4,000। फिर लिखा है डेटर, ओपनिंग क्लोजिंग बीडी और सीडी, कितने का? बीडी 12,000 और सीडी 14,000। एक बार हुआ, दूसरा बार सर ओपनिंग डेटर ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन ध्यान रखिएगा डेटर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, इसीलिए क्लोजिंग वाला को अंदर लिखिए, उस पर प्रोविजन का बात किया है क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग कहां जाएगा? सर ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 6,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,000। तो स्टॉक का बात खत्म। दूसरा बार कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक 6,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2,000। दो बार हो गया। कैश, सर कैश तो कैश अकाउंट में, ओपनिंग का बीडी, क्लोजिंग का सीडी, कितने का? 2,200 और 600, नहीं, हां 2,200 और 600। अगला आइटम आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, क्या है ये? सर ये लाइबिलिटी है, तो सर ओपनिंग का यहां लिखो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस,
और फिर क्लोजिंग में भी लिखो आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस कितने का, 1200 और 2000। ये तो एक ही बार हुआ सर, दूसरा बार हम बोले हम आपको सिखाए हुए एनपीओ में आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है सर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। तो जब हम लोग को पीएल में ऑफिस एक्सपेंस दिखेगा क्या करना चाहिए सर, प्लस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दूसरा बार ट्रीटमेंट, माइनस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो बताओ ओपनिंग क्लोजिंग कितना था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200। अगला आइटम पढ़िए, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस। सर ये तो एसेट्स है, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस तो सर ओपनिंग में तो नहीं है, क्लोजिंग में है, तो क्लोजिंग में लिख दो। कितने का है, 400। क्लोजिंग का ट्रीटमेंट सर माइनस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस। अच्छा उसके बाद फर्नीचर ओपनिंग में 10000, दूसरा बार जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में भी होगा, गायब तो हो नहीं जाएगा, 10000। क्लोजिंग में 12000, हम बोले हाँ उसका इफेक्ट दिख जाएगा ऑटोमेटिक हम लोग को। सर कैश का पैसा ओपनिंग क्लोजिंग आप नहीं लिखे, अच्छा नहीं लिखे चलो लिख दो, कैश 2200 ओपनिंग में और कैश 600 क्लोजिंग। अब आते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश के बारे में बात कर रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कहां जाएगा, अगर आपको आता है बहुत अच्छा, नहीं आता तो एंट्री कर लो। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर क्या एंट्री करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो कैश डेबिट हुआ तो टू डेटर, अमाउंट 42000 और दूसरा बार डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश। फिर लिखा है पेमेंट टू क्रेडिटर एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर कितने का पेमेंट किए हैं 20000, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में टू कैश। अगला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 4000, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बाय ट्रांसपोर्टेशन कितने अमाउंट का, 4000, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट में, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट हुआ वो कहां जाएगा सर, पीएल में, वो तो खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन 4000, आगे बढ़िए, लिखा है ड्रॉइंग एंट्री, ड्रॉइंग टू कैश तो बाय ड्रॉइंग, बारह हजार, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश के क्रेडिट साइड में, ड्रॉइंग डेबिट हुआ कहां जाता है सर, जब कैपिटल मिलेगा हम लोग को ओपनिंग कैपिटल उससे माइनस कर देंगे ड्रॉइंग, 12000। अगला लाइन पढ़िए ऑफिस एक्सपेंस 14000, एंट्री ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश क्रेडिट हुआ, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश तो कैश का तो काम कर लिए, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हुआ पीएल में, ओ ये तो हो गया। अगला आइटम परचेज, कैश परचेज ऑफ फर्नीचर 2000, फर्नीचर खरीदे हैं 2000 का तो सर पैसा गया फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर डेबिट हुआ तो सर क्लोजिंग बैलेंस में जोड़ दीजिए परचेज, कितना का परचेज किए हैं 2000, सब मिलाए कितना बन गया 12000। तो देखिए आपका फर्नीचर क्लोजिंग में जो 12 था, देखिए 12 आ गया। अब आगे बढ़ो,
फिर क्या लिखा है? हम बोले सर उसके बाद लिखा हुआ है देयर वॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, पैसा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। क्रेडिट परचेज 23,000, एंट्री बोलिए सर क्रेडिट परचेज किए तो एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है तो सर क्रेडिटर क्रेडिट भी लिखिए बाय परचेज, ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट 23,000 रुपया का, दो बार ट्रीटमेंट होना है तो सर परचेज चला जाएगा ट्रेडिंग में टू परचेज। कितने का परचेज किए हैं? 23,000। और बताओ एडजस्टमेंट डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, एंट्री डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो डेप्रिशिएशन डेबिट कहां जाएगा? पीएल। फर्नीचर क्रेडिट हुआ है तो सर फर्नीचर घट जाएगा, घटा दो 600 रुपया, तो बाहर कितना निकला? 11,400 रुपया। फिर बोला है डेटर के ऊपर बनाना है प्रोविजन 10%, डेटर कितने का है? 14,000, उसका 10% प्रोविजन, और प्रोविजन पीएल में 1400 रुपया। और कोई आइटम नहीं? क्या हम लोग सारा आइटम का कर लिए डीलिंग? बिल्कुल। सबसे पहले आओ क्रेडिटर निकालें, 27,000 क्लोजिंग क्रेडिटर आया 7, कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट 7। उसके बाद डेटर बनाएंगे 42 और 14 56, टू सेल्स, कौन सा सेल्स है ये? क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर, तो सर ये 44,000 का सेल्स दूसरा बार कहां जाएगा? बाय सेल्स, क्रेडिट में कितना आया? 44। अब हम लोग कैश अकाउंट को बंद करेंगे और इससे क्या निकाल लेंगे? कैश सेल, कैश अकाउंट से कैश सेल। क्वेश्चन में क्या बोला था? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेल्स कैश में है, तो जाहिर सा बात है सर ये साइड ज्यादा होगा और इस साइड पैसा कम होगा। आओ जोड़े 20 और 4 24 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 2600 52,600 माइनस 2200 माइनस 42,000, 8,400 रुपया का कैश सेल कहां जाएगा? सर सेल्स के अंदर अमाउंट 8,400, टोटल सेल कितना हो गया? 52,400। अब जोड़िए और क्या निकाल लीजिए? कैपिटल ओपनिंग का 12,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 2,200 30,200 माइनस 5,200, 25,000 का ओपनिंग कैपिटल जो सर फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाता है। तो हम लोग का सारा वर्किंग का लेजर कंप्लीट। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिफ्टी फोर फोर हंड्रेड माइनस 29,000, 25,400। आइए बुक से भी मैच कराएं, क्या मैच कर रहा है? ओपनिंग कैपिटल मैच कर गया, क्रेडिट सेल मैच कर गया, क्लोजिंग क्रेडिटर मैच कर गया, कैश सेल 8,420 रुपया, नहीं 20 रुपया का तो कोई चक्कर है ही नहीं कहीं, तो सर वो 8,420 होगा ही नहीं, बस 8,400 ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का है
अच्छा सॉरी, एक चीज का गड़बड़ी हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसे कैरेज होता है, ठीक कीजिएगा, मेरा गलती है ये, 4000। अब निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट जो कितना आएगा 21400, ये भी मैच कर रहा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में, और क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट। चलिए प्लस माइनस करें, ऑफिस एक्सपेंस 14000 प्लस 2000 माइनस 1200 माइनस 400, 14400। माइनस 14400 माइनस 2000, 5000 रुपया का नेट प्रॉफिट। आइए बुक से मिलाएं, क्या नेट प्रॉफिट है 5000 का, बिल्कुल। अब ये नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लायबिलिटी को जोड़े 27000, आओ एसेट्स भी जोड़े। सर फर्नीचर 11400 प्लस 12600 प्लस 2400 प्लस 600, 27000। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 54 का सोल्यूशन, कि सर ये है दो सोल्यूशन और बाकी का चार क्या है, वर्किंग। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़े। संजय कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम हिज बुक, डेटर क्रेडिटर कैश स्टॉक फर्नीचर मशीन। तो सर सबका ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया, फिर लिखा है अदर इंफॉर्मेशन, कैश सेल क्रेडिट सेल कैश परचेज क्रेडिट परचेज सैलरी ड्रॉइंग रेंट और बैड डेट एडजस्टमेंट। 1500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, बोल रहा है सैलरी का 1500 रुपए बाकी है। प्रीपेड रेंट 800, बोल रहा है प्रीपेड रेंट है 800 का। गुड वर्थ रूपीज 2000 वेयर यूज बाय संजय फॉर पर्सनल यूज, सर ये तो ड्रॉइंग है, 2000 का गुड्स ड्रॉइंग किए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, यहाँ पे जितना ट्रांजेक्शन है वो सबका एडजस्टमेंट कितना बार होगा, 2 बार, क्योंकि सर यहाँ पे कोई अकाउंट बनाया नहीं है। चलिए सोल्यूशन के नाम पे क्या, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, बाकी वही चार अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल निकालने के लिए, कैश अकाउंट बनाएंगे हम लोग क्लोजिंग कैश निकालने के लिए, डेटर और फिर क्रेडिटर, इतना सारा अकाउंट है। चलिए पढ़ के चलो, पहला आइटम डेटर, दूसरा डेटर अकाउंट, ओपनिंग डेटर टू बैलेंस बीडी 32000 और क्लोजिंग डेटर 38800, बैलेंस सीडी। 2 बार और ट्रीटमेंट होगा सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखिए 2 बार ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद सेकेंड क्रेडिटर, सर क्रेडिटर अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी अमाउंट है 20,300, बैलेंस सीडी 24,600। दूसरा बार ट्रीटमेंट, क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो ओपनिंग का क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग का क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में 24,600। फिर कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस बताया है क्लोजिंग नहीं बताया है, तो क्लोजिंग हम लोग को निकालना होगा 6,000। दूसरा बार सर ओपनिंग बैलेंस शीट में। अगला आइटम स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग में और एक बार बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है 22,000 और क्लोजिंग स्टॉक 28,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दूसरा बार ट्रीटमेंट कहां होगा? ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक 22,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000। नेक्स्ट फर्नीचर ओपनिंग में 8,000 क्लोजिंग में भी 8,000 फर्नीचर 8,000 दो बार ट्रीटमेंट हो गया। फिर लिखा है फर्नीचर के बाद मशीन ओपनिंग में 30,000 तो सर क्लोजिंग में भी 30,000 सर क्लोजिंग में 30,000 तो ये 40,000 है मुझे दिखा रहे हैं आपको देखिए वो 40 आएगा अपने आप। मेरे पास शुरू में 30 का मशीन था और अंत में क्वेश्चन दिखा रहा है 40 का तो 10,000 कहां से मतलब परचेज किए होंगे तब जाके बना होगा प्लस परचेज। जरा परचेज का एंट्री बोलो तो मशीन खरीदे 10 का क्या एंट्री होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश हाँ तो सर मशीन अकाउंट डेबिट हुआ तो मशीन बढ़ा दिए कैश क्रेडिट हुआ है तो बाय मशीन 10,000। अदर इंफॉर्मेशन कैश सेल क्या होगा? सर कैश में सामान बेचे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड कितने अमाउंट का 62। सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सर सेल्स तो ट्रेडिंग का आइटम है बाय सेल्स कैश में 62। फिर है क्रेडिट सेल एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेटर डेबिट हुआ है तो सर डेटर अकाउंट में लिखिए क्रेडिट सेल्स कितने अमाउंट का 58। सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सर सेल्स चला जाएगा ट्रेडिंग में 58 सेल्स निकल गया बाहर। फिर लिखा है कैश परचेज एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो सर कैश क्रेडिट हुआ बाय परचेज कितने का 25। दो बार होना है सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कैश का तो कर लिए परचेज डेबिट हुआ ट्रेडिंग में डेबिट साइड परचेज कैश में 25,000। क्रेडिट परचेज 47 एंट्री बोलो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर तो क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है बाय परचेज अमाउंट है 47,000 परचेज डेबिट हुआ था तो सर परचेज ट्रेडिंग का आइटम 72,000। आगे बढ़िए फिर लिखा है सैलरी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो सैलरी को कैश अकाउंट के कहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में कैश क्रेडिट हुआ है 16,500 सैलरी डेबिट सर वो पीएल का आइटम टू सैलरी और पैसा को अंदर लिखेंगे क्यों क्योंकि सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है नीचे में ड्रॉइंग 85,000 गलत 8500 वहां मिसप्रिंट है अगर आपके बुक में भी लिखा है ड्रॉइंग 85,000 तो एक जीरो कम कीजिए वो 8500 है चलिए ठीक कर ले कि सर वो 8500 है। एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश तो सर कैश के क्रेडिट में और ड्रॉइंग हुआ है डेबिट तो सर वो कैपिटल से घट जाएगा जब हम लोग के पास ओपनिंग कैपिटल मिलेगा उसमें से घटा देंगे। कितने का ड्रॉइंग 8500। उसके बाद रेंट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश तो बाय रेंट अमाउंट है 7,100 और रेंट कहां चला जाएगा पीएल में
अंदर लिखेंगे इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। बैड डेट 2400 रुपया, एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का क्रेडिट साइड में बाय बैड डेट अमाउंट 2400 रुपया। दूसरा ट्रीटमेंट बैड डेट सर पीएल में चला जाएगा टू बैड डेट, फिर एडजस्टमेंट 1500 रुपया आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। बोलो सैलरी आउटस्टैंडिंग का एंट्री क्या होता है सर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी डेबिट हुआ है तो खर्चा बढ़ गया, जोड़ दो। कितना 1500 सब मिलाया कितना हो गया 18000, सैलरी डेबिट हुआ तो जोड़ दिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो तो लायबिलिटी। अगला आइटम प्रीपेड रेंट, थोड़ा एंट्री बताइए सर। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो प्रीपेड रेंट क्या है? एसेट्स, तो एसेट्स में लिखो कितने रुपए का प्रीपेड रेंट 800। सेकेंड इफेक्ट सर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो प्रीपेड डेबिट था तो एसेट्स बना टू रेंट, रेंट तो एक्सपेंस होता है, हम लोग क्रेडिट किए तो सर एक्सपेंस घट गया, माइनस प्रीपेड। ये कौन सा प्रीपेड है? क्लोजिंग, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है 6300। गुड्स वर्थ ₹2000 यूज्ड फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, बोल रहा है 2000 का गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज किए, एंट्री ड्रॉइंग टू परचेज, ड्रॉइंग डेबिट, तो ड्रॉइंग तो सर यहां चला जाएगा, कितने का 2000 का ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट हुआ है तो सर यहां माइनस कर दीजिए, रुक जाइए, तो यहां माइनस ड्रॉइंग 2000 का। अब बाहर निकलेगा 70000 रुपये। नेक्स्ट खत्म, अब कुछ नहीं है। सबसे पहले वर्किंग को क्लोज करेंगे, आओ वर्किंग का क्लोजर करें। डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट ये हो जाएगा 90000। सर यहां पे और क्या नाम आता है? कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से जो पैसा मिला तो सर बाय कैश, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर, तो सर 90000 माइनस 38800 माइनस 2400, ₹48800। सर ये कैश है, एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में आएगा टू डेटर। आ गया। उसी तरह क्रेडिटर का निकालेंगे, 20300 प्लस 47000 67300 माइनस 24600, ये निकला बैलेंसिंग फिगर 42700। इसका नाम क्या लिखेंगे? टू कैश। ये क्या है? पेमेंट टू क्रेडिटर, बैलेंसिंग फिगर। तो सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर, कि क्रेडिटर को पेमेंट किए। कितना? 42700। और कुछ? हम बोले आओ अब निकाले कैश का क्लोजिंग बैलेंस 6000 प्लस 62000 प्लस 48800 116800 बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, माइनस 10000 माइनस 25000 माइनस 16500 माइनस 8500 माइनस 7100 माइनस 42700, 7000 बचा। क्लोजिंग कैश कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में।
अब आइए निकाल लें ओपनिंग कैपिटल 32,000 प्लस 6,000 प्लस 22,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 माइनस 2,300 77,700 ये है कैपिटल। आइए मैच कराएं कि ये सब मैच कर रहा है कि नहीं। 7,700 मैच कर गया कैपिटल। उसके बाद कैश रिसीव 48,800 सर वो भी मैच कर गया। कैश पेड टू क्रेडिटर 42,700 वो भी मैच कर गया। उसके बाद लिखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस 7,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस 7,000 मैच कर गया। ग्रॉस प्रॉफिट 56 वो तो निकाले ही नहीं है, चलो निकाला जाए। ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 प्लस 28 1,48,000 तो सर 1,48,000 माइनस 70 माइनस 22 56 ये भी मैच कर रहा है। आइए निकालें नेट प्रॉफिट 56 माइनस 18,000 माइनस 6,300 माइनस 2,400 माइनस 29,300 नेट प्रॉफिट मैच कराएं, मैच कर गया 29,300। अब ये नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा सर, कैपिटल में प्लस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट का 29,300 और हम लोग का ओपनिंग कैपिटल आया है 77,700 प्लस माइनस करके बाहर 77,700 माइनस 8,500 और 10,500 ये आएगा 96,500 प्लस 24,600 प्लस 1,500 122,600 क्रेडिट साइड 8,000 प्लस 40,000 प्लस 38,800 प्लस 28,000 प्लस 800 प्लस 7,000 122,600 तो ये मैच कर गया हम लोगों क्वेश्चन नंबर 55 का भी बैलेंस शीट। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़े। लिखा है मिस्टर बहादुर डज नॉट नो हाउ टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम हिज वेरियस रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन मेड अवेलेबल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर एंड डेप्रिशिएटिंग द मोटर कार 20%। डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन है और मोटर कार के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैसे पता डेट से 1 अप्रैल 15 बनाना है 31 मार्च 16 का ट्रेडिंग पीएल। चलिए तो सर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई अकाउंट बना के दे देता है तो उस अकाउंट का इफेक्ट बस एक ही बार पड़ता है, तो जो बैलेंस शीट है उसका इफेक्ट कितना बार देना है, सिर्फ एक बार। और फिर नीचे में देखो कैश अकाउंट भी बना के दे दिया उसका इफेक्ट भी एक बार, और उसके बाद लिखा है अदर इंफॉर्मेशन उसका इफेक्ट दो बार। चलिए शुरू करें। पहले बैलेंस शीट देखो, लिखा है कैपिटल 92,500 कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिए सर ये है ओपनिंग कैपिटल। हम लोग को वो दे दिया तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है और वो ओपनिंग है इसीलिए कहां जाएगा बीपी के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट 32,800। क्या हम आपको बीपी अकाउंट सिखाएं, बिल्कुल
क्रेडिटर, सर ये ओपनिंग है तो क्रेडिटर के अकाउंट में लिखिए, बैलेंस बीडी कितना 84,200, मोटर कार, मोटर कार एसेट्स कितना 71,700। अंदर क्यों लिखे हैं, क्योंकि सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। स्टॉक ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 51,500। नेक्स्ट डेटर, डेटर के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेटर 49,500। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में बैलेंस बीडी कितना 24,400। कैश इन हैंड, सर ये कैश इन हैंड कैश बुक में, कैश बुक देखो बना हुआ है वहां लिखा भी है 12,400, तो जो एक बार लिखना था वो कैश में लिखा चुका, तो हम लोग लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो कैश अकाउंट बना नहीं रहे। आगे बढ़ो, नीचे कैश ट्रांजेक्शन लिखा है बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है वहां लिखा भी है। रिसीप्ट फ्रॉम डेटर कहां जाएगा, सर रिसीप्ट फ्रॉम डेटर का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर के क्रेडिट में बाय कैश अमाउंट 1,15,000। उसके बाद टू बी आर, कैश अकाउंट बना हुआ है उसके डेबिट में है टू बी आर, इसका मतलब सर बी आर का पैसा मिला, एंट्री क्या बना कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो बी आर है क्रेडिट साइड में बाय कैश अमाउंट 14,200। उसके बाद सेल्स, तो सर सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग में बाय सेल्स, ये कैश में निकला बाय सेल, ये कैश सेल है क्योंकि कैश बुक में है 1,03,000। क्रेडिट साइड फर्नीचर, कैश बुक में है फर्नीचर, किस साइड में है क्रेडिट साइड में, अगर हम बोले इसका एंट्री बताओ तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना रुपया 30,000। फिर लिखा है वेजेज कहां जाएगा, टू वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट 9,400। उसके बाद फिर लिखा है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज, और ये किसमें है कैश में, इसीलिए तो कैश बुक में है कि सर कैश परचेज है ये 40,500। ड्रॉइंग, सर कैपिटल से माइनस करेंगे, पैसा 30,700 नहीं सॉरी 24,000। बिल्स पेबल, जरा एंट्री पढ़ो तो सर बिल पेबल टू कैश, तो सर डेबिट साइड में टू कैश बीपी का पेमेंट हुआ है कितना 30,700। जर्नल एक्सपेंस पीएल का आइटम, अमाउंट 20,700। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश कितना पेमेंट 80,800। बैलेंस सीडी, ये तो सर कैश बैलेंस शीट में आएगा 8,500। क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आगे बढ़िए, अदर इंफॉर्मेशन, बिल रिसीवेबल ड्रॉन, कि सर बिल रिसीवेबल ड्रॉन किए, इसका ट्रीटमेंट दो बार, क्या एंट्री होगा,
सर बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बी आर डेबिट हुआ है तो बी आर के डेबिट में टू डेटर कितना अमाउंट 6300। दूसरा इफेक्ट, अच्छा नहीं दिख रहा है एक मिनट, 6300। दूसरा इफेक्ट सर डेटर के क्रेडिट में बाय बी आर, अगला डिस्काउंट टू कस्टमर, दो बार ट्रीटमेंट सर डिस्काउंट टू डेटर, डेटर क्रेडिट साइड में यह है डिस्काउंट अलाउड कितना 2300। दूसरा इफेक्ट पीएल में टू डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से डिस्काउंट मिला तो सर क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये कहां चला जाएगा पीएल के क्रेडिट में क्योंकि ये इनकम है 700। उसके बाद क्रेडिट परचेज कहां जाएगा सर, क्रेडिट परचेज क्रेडिटर अकाउंट में बाय परचेज अमाउंट है 29600। दूसरा बार परचेज डेबिट हुआ है तो सर परचेज यहां लिखिए क्रेडिट 29600। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग में, और दूसरा बार बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 41700। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर बाय बैलेंस सीडी, और फिर कहां चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 55000, और फिर यहां लिखेंगे डेटर, पैसा इनर कॉलम में क्योंकि सर इसमें एडजस्टमेंट बोला है क्वेश्चन, फिर लिखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीपी टू बैलेंस सीडी अमाउंट है 10200। दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट बीपी 10200। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट का, ऊपर में एडजस्टमेंट था मोटर कार पे 20% डेप्रिसिएशन, तो सर मोटर कार घट जाएगा 20%, इंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, तो मोटर कार क्रेडिट हुआ इसलिए माइनस, और डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है वो पीएल में डेप्रिसिएशन। आइए 20% निकाला जाए, और फिर बनाना है डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन, 71,700 का 20% 14,340 माइनस करके बाहर 57,360 14,340 रुपया का डेप्रिसिएशन। अब बनाना है प्रोविजन, तो प्रोविजन माइनस करते हैं डेटर में, कितना बनाना है 5%, तो 55,000 का 5% 2,750 रुपया माइनस करके बाहर 52,250 2,750 ये सब हो गया। अब हम लोगों को लेजर बंद करना है, सबसे पहले क्या बंद करेंगे, हम बोले सर बीपी बंद कीजिए, वहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्रेडिटर कि बिल एक्सेप्टेड निकलेगा, जोड़ो 40,900 कितना बचा 8100। ये क्या है बिल एक्सेप्टेड क्रेडिटर, ये क्या है बीपी एक्सेप्टेड,
बैलेंसिंग फिगर से निकला, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है 8100। तो सर ये तो दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा, क्रिएटर का नाम आया तो क्रिएटर अकाउंट में होगा, क्रिएटर के कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में 2BP कितना 8100। तो ये वाला पैसा यहां पे आया, अब निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CB। चलिए जोड़े 800, एक लाख 13,800, माइनस 80,800, माइनस 700, माइनस 8100, 24,200 रुपया क्रिएटर आया, 24,200। आइए मैच कराएं, बुक से मैच कर रहा है या नहीं, जी मैच कर रहा है। तो सर इस क्रिएटर को कहां भेजेंगे, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग क्रिएटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल को बंद करेंगे पहले, तब डेटर में बात करेंगे। चलिए बिल्स रिसीवेबल क्या निकलेगा, बैलेंस CD जोड़ो 30,700, माइनस 14,200, 30,700 माइनस 14,200, 16,500। तो सर ये तो एसेट्स है, BR 16,500। डेटर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सर सेल्स, क्रेडिट सेल्स 1,15,000 प्लस 6,300 प्लस 2,300 प्लस 55,000 178,600 माइनस 49,500 129,100। ये क्या निकला, सेल्स बैलेंसिंग फिगर। कौन सा सेल्स है ये, डेटर अकाउंट में सर क्रेडिट सेल आता है तो क्रेडिट सेल चला जाएगा ट्रेडिंग में, 1,29,100 जोड़ के बाहर 2,32,100। चलिए जोड़ा जाए परचेज को भी, 40,500 प्लस 29,600 70,100 और निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,32,100, 2,32,100 प्लस 41,700 273,800 273,800। उसमें से माइनस कर दो 51,500 माइनस 7,100 माइनस 9,400 142,800। ये निकला ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट PL में ट्रांसफर, और क्या निकल जाएगा हम लोग का, नेट प्रॉफिट। माइनस 2,700 माइनस 2,300 माइनस 14,340 माइनस 2,750 1,03,410 रुपीज का नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट ऐड 1,03,410। आइए प्लस 92,500 माइनस 24,000 171,910 प्लस 10,224,200 2,06,310। एसेट साइड 57,360 30,000 52,250 16,500 41,700 8,500 मैच। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 56। लिखिए
आइए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चले। दिनेश डज नॉट कीप सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। ही सप्लाइज यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है जिसके अंदर दो साल है 31 मार्च 2015 31 मार्च 2016। लिखा है डेटर का दोनों साल का बैलेंस, क्रेडिटर का दोनों साल का बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है और मोटर वैन का भी ओपनिंग बैलेंस है। तो सर इन सब का क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताया है, यही तो आपको निकालना पड़ेगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, फिर ट्रांजेक्शन बता रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, कैश पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस पेड, ड्रॉइंग, रेंट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1200, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन फर्नीचर, 5% ऑन मोटर वैन। दिनेश इन्फॉर्म दैट ही सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। दिनेश जो है वो कॉस्ट पे 40% जोड़ के बेचता है, तो सर प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे है 40, तो सेल पे कितना? हम बोले प्रॉफिट जो है ऑन कॉस्ट कितना है 40%, तो सर हम लोग को तो प्रॉफिट सेल पे चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे? हम बोले सर 40 डिवाइडेड बाय 140, ये है हम लोगों का सेल के ऊपर। कि सर कॉस्ट पे अगर 40% है तो सेल पे कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 140, ये हम बता दिए। तो सेल रहेगा उससे 40 डिवाइडेड बाय 140 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हम लोगों को पड़ेगा कैसे? सेल्स निकाल चुके होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सर इससे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। हम बोले बिल्कुल। उसके बाद फिर लिखा है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज क्रिएटेड। ये तो हम जानते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन हम होमवर्क देना चाहते हैं कि पहले आप ट्राई करो, ये होमवर्क। सॉल्यूशन तो पता ही है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। वर्किंग क्या क्या बनेगा इसका हम हिंट दे दें। मेनली वही बनता है जो हर बार बनाते हैं। क्या क्या बनेगा? एक बनेगा सर ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हम लोग को ये बनाना है। दूसरा क्या बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल। क्या निकालने के लिए? टू फाइंड क्रेडिट सेल। तीसरा बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट, किस लिए? टू फाइंड क्रेडिट परचेज। चौथा बनाएंगे कैश अकाउंट, किस लिए? टू फाइंड क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो वर्किंग ये चार बनाना है, सॉल्यूशन पता ही है, और ये भी लिख दिए हैं किससे क्या क्या निकलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। डेटर से क्या निकालना है? क्रेडिट सेल। क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज। कैश अकाउंट क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि ओपनिंग कैश बताया है, क्लोजिंग नहीं बताया है, इसीलिए। उसके अलावा हम बोले सर और कोई लेजर नहीं बनेगा, बाकी सारा डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। क्या हर चीज का पोस्टिंग दो बार है? बिल्कुल हर चीज का पोस्टिंग दो बार है। हम लोग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन ये सब भली भांति कब सीखे हैं? एनपीओ के चैप्टर में लिखिए। तो ये जरूर ट्राई करना है, और नहीं बने तब आप पूछिएगा तो बता देंगे।